Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello my dear brothers and sisters, welcome to my YouTube channel The Knowledge Bank. इस वीडियो में हम खास करके नीट के जो बायोलॉजी बिट्स हैं स्पेशली प्लांट डाइवर्सिटी में हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमी टू हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी ओके टैक्सोनॉमी टू हिस्ट्री खास करके टैक्सोनॉमी पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वीनियंट ग्रुप्स विच वी यूज टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स इन क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड खास करके जो ग्रुप्स विच वी यूज टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते इन क्लासिफिकेशन उसको क्या कहा जाता ऑर्डर क्लास डिविज़न और टैक्सा तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकेस आप ऑर्डर बोलेंगे या क्लास बोलेंगे डिवीज़न बोलेंगे तीन के तीन ऑप्शन क्या है ये टोटली रॉन्ग है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर यानी टैक्सा तो यहाँ पे आपको याद रखना बहुत अहम है द ग्रुप विच वी यूज टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म इन क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड वॉट टैक्सा ओके दैट इज कॉल्ड द taxa so we have to know very well we have to know it very well the correct answer is option number 4 taxa now we'll move to the next question number 2 on the basis of various characteristic based on different what characteristics okay based on different characteristics and you can observe here living organisms what the living organisms based on different characteristics based on what different characteristics what here the living organisms what here the living organisms तो यहाँ पे आप देखिए based on the various characteristics living organisms can be grouped into different taxa the process of grouping is called इस तरह के process को क्या कहेंगे हम classification taxonomy systematics या identification yes you are right it is called the classification option number 1 on the basis of various characteristics living organisms can be grouped into these are the very easy and general questions for you next question number 3 and third question you can observe here what is the third question systematics deal with the study of systematics किससे डील करता है ओके स्टडी ऑफ किससे यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अदरवाइज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर इंटर रिलेशनशिप्स और नॉमनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आपको क्लियरली आइडिया है द सिस्टमेटिक्स वॉट ईयर I'm talking about the systematics. Systematics deal with the study, especially deal with the study of what that is option 3, diversity of living organisms, including their interrelationships. Next question number 4. When we move from one, you can observe here, when we move from species to what kingdom? जब हम मूव करेंगे स्पीसीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की द कॉमन कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टैक्सन टू अनदर टैक्सन जो कॉमन कैरेक्टर्स रहते एक टैक्सन से दूसरे टैक्सन को कैसे रहते बढ़ते या घटते या कुछ चेंज होते सो हियर कैन इंक्रीज कैन डिक्रीज ऑलवेज डिक्रीज कैन डिक्रीज और इंक्रीज सो हियर द फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ऑलवेज डिक्रीज याद रख लिए ऑलवेज डिक्रीजिंग स्पीसीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की द कॉमन कैरेक्टर क्या है फ्रॉम वन टैक्सन टू अनदर टैक्सन ऑलवेज द डिक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द फिफ्थ क्वेश्चन यू कैन सी हियर एन ऑर्डर कैन बी व्हाट हियर एन ऑर्डर कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज ऑर्डर को बेस्ट हम कैसे डिफाइन करें डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज एंड जनरल ओके जेनेरा ऑफ डिफरेंट टैक्सा सी हियर प्रॉपरली एन ऑर्डर कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज इसको हमको बेस्ट डिफाइन करना है ओके
best defined as what best? That is the order, that is what? Order. Okay, now here you can see fifth one, a group of related families which exhibit a few similar characters. Okay, related family से जिसमें कि few similar characters से, a group of related classes से which exhibit a few similarities, जिसमें थोड़े से similarities रहते हैं, बल्कि कहा जा रहा. And यहाँ पे आप देखेंगे assemblage of genera, okay, related to different classes, genera जो कि related to different classes. तो यहाँ पे order को हम best define कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान है, आपको already आपने पढ़ा है. A group of related families which exhibit a few similar characters. So the second answer, which answer? Second answer is right. Now next, we'll move to the question number 6. What is the question number 6? Find the incorrect about herbarium. यहाँ पे herbarium आपको मालूम है, जिसमें खास करके plants को collect करके लगाया जाता, और यहाँ पे एक जो चार ऑप्शंस में एक इनकरेक्ट है. इट इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेन. एक स्टोर हाउस है जो कि कलेक्शन कलेक्टेड ऑफ खास किस तरह के प्लांट्स, ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस. ये कैसा है आप देखेंगे, ये करेक्ट है. ओके राइट, हमको फाइंड करना है इनकरेक्ट रॉन्ग वन. इट कंसिस्ट मिनी हेरबेरियम शीट्स. यस, बहुत से हेरबेरियम शीट्स भी उसके रहते अंदर. अरेंज्ड इन यूनिवर्सली accepted system of classification. Next, option 3, ये भी right है. Herbarium sheets also carry a label written with complete photo profile. यहाँ पे कहा गया with photo profile the collector of this specimen. ये हमको नहीं मिलता. Herbaria also serve a quick referral system in taxonomic studies. ये right है, यानी हमको जो incorrect है वो है ऑप्शन 3, यानी सिक्स्थ आंसर है ऑप्शन 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यू कैन सी हियर द सेवंथ क्वेश्चन. कीज आर मेड फॉर द टॉक्सोनॉमी ऑफ, कीज जो कि बनाएंगे खास करके, कीज आर मेड फॉर द टॉक्सोनॉमी ऑफ डैश, किसके लिए? फैमिलीज ऑफ प्लांट्स ओनली, या फैमिलीज ऑफ एनिमल्स ओनली, नेक्स्ट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ओनली, या देखेंगे तीन भी क्या है सिंगल सिंगल में, फैमिली जीनस and species of both plants and animals. So here the correct answer is option number 4. What is the correct answer? Option number 4 is the right answer. Now next question number 8, you can observe here. The first, ye bahut bada question hai, bilkul aapko confuse hona nahi hai. Two kingdoms, yahan pe kitne kingdoms kaha ja raha, two kingdom. Classification system used for a long time was what? Inadequate. So a need was felt for including besides gross morphology other characteristics also. What were these characters which resulted in formation of five kingdoms classification system? Five kingdom classification system. यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको two kingdoms. अभी तक classification system used for a long time बहुत सालों से यूज किया गया. So need was felt for including besides gross morphology plus and as well as the other characteristics also. What were these characteristics which okay resulted in formation of five kingdoms? Cell structure, okay, यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो यहाँ ऑप्शंस आप देखेंगे तो कौन से ऑप्शंस, ए एंड बी विच एक्चुअली द राइट, ए एंड बी यानी सेल स्ट्रक्चर या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज राइट है, या ए बी एंड सी, या सी रिप्रोडक्शन भी राइट है, ए सी एंड डी, ओके ए सी और डी एवोल्यूशनरी रिलेशन, या ए बी सी एंड डी, ये चारों के चारों राइट है. सो ये द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग दिया गया है. तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग, ओके, जो कि टू कॉलम दिए गए हैं, कॉलम वन कॉलम टू. यहाँ पे आपको करेक्ट मैच द फॉलोइंग देखना है. तो नाइन्थ में, यहाँ पे क्वेश्चन नाइन्थ में आप देखेंगे जूलॉजिकल पार्क जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मेड नहीं है.
ये द ओनली लिविंग यस फर्स्ट वन टू हमको क्लियरली मिल रहा फर्स्ट वन टू यहाँ पे करेक्ट आंसर है तो यहाँ पे बड़ा आसान है आंसर फाइंड करना तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट वन एक सिंपल आप एक करेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ पे फर्स्ट वन टू है दैट इज ऑप्शन नंबर वन सो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसके लिए जा सकते हैं आप पूरा रीड कर लीजिए आपको करेक्ट ये मैच में मिल रहा है या नहीं मिल रहा क्योंकि हम एटलीस्ट दो से तीन हमको मालूम रहेंगे मैच द फॉलोइंग में जैसे कि बॉटनिकल गार्डन है ऑलरेडी मालूम है वहाँ पे प्लांट्स के बारे में तकरीबन पाया जाता तो ओनली लिविंग प्लांट्स वहाँ पे प्लांट्स रहते हैं तो यहाँ देखेंगे सेकंड ऑप्शन फोर तो रिमेनिंग यहाँ है पर यहाँ फर्स्ट वन हमको मालूम है ये राइट है से बी वन फोर्थ वन राइट है सो दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन नाउ द क्वेश्चन नंबर टेन यू कैन ऑब्जर्व हियर द टेंथ क्वेश्चन What is the 10th question? Largest botanical garden of world and Asia. दुनिया का और एशिया का सबसे बड़ा largest botanical garden are respectively located. कहाँ पे है? Kew, England and Padua, Italy. कहाँ पे है? Okay. Kew, England. ये तो मालूम है. तो यहाँ पे हमको सोचना है कि तीन जगहों पे ऑप्शन है. यानी इसका मतलब सेकेंड वन ऑलरेडी. और एक है जो कि हिंदुस्तान में है. इंडिया लखनऊ में नहीं है हावड़ा में है कहाँ पे हावड़ा तो यहाँ पे द फोर्थ ऑप्शन है लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड एंड एशिया आर रेस्पेक्टिवली लोकेटेड केव इंग्लैंड एंड हावड़ा इंडिया नेक्स्ट कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फॉर प्लांट स्पीशीज बहुत बार पूछा गया बड़ा आसान क्वेश्चन है फर्स्ट क्या आएंगे आपको मालूम है फैमिली तो यहाँ आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू फैमिली ऑर्डर क्लास डिवीजन आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा हैव अ ग्रेट डे नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे